तो देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा सा सांप है ये। देखिए दोस्तों ये किस तरीके से इतना प्यासा है कि बोतल में मुंह डाल के पीने की कोशिश कर रहा है, पानी पी रहा है। देखिए स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर मित्र में। आज का रेस्क्यू कॉल गोरखपुर जिला के अंतर्गत कौड़ीराम शहर के अंदर रेस्क्यू देखने को मिला है। ये भैया जो दिख रहे हैं इनके दुकान में सांप दिखा है, मौके से उसी स्थान पे आ गए। चलिए भी दिखाई सांप कहाँ पे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर, चल के देखते हैं सांप कौन सा है और कहाँ पे और किस स्थिति में। कबाड़ गोदाम है और इधर ही कहीं इनके कबाड़ गोदाम में सांप दिखा है। काम कर रहे थे लोग तो सांप देखे हैं, तो हम लोग मौके से आ गए हैं। दिख गया क्या? अच्छा ये सामने बैठा है। यहाँ पे देख सकते हैं सांप बैठा हुआ है, ये वाला, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये काफी मोटा सा सांप है, यहाँ पे ये छुप के आके बैठा हुआ है। किसी न किसी को ये खतरा कर सकता था। मोहित सर आइए और बचा के सांप को रेस्क्यू करिए, सुरक्षित इसको बाहर ले चलेंगे और फिर इस सांप के बारे में सारी जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा सा सांप है ये, काफी बड़ा साइज का है। बचा के तो फाइनली दोस्तों सांप को आसानी पूर्वक पकड़ लिया गया। तो चलिए सांप को पहले बाहर लेके चलते हैं। तो इस सांप को फाइनली रेस्क्यू करके बाहर ला दिया गया है और इस सांप प्यासा होगा, गर्मी का सीजन चल रहा है तो इसको थोड़ा पानी पिलाते हैं, फिर इस सांप के बारे में सारी जानकारी मोहित सर से जानते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए सांप ये पानी पी रहा है, थोड़ा पास में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये सांप जो है वो पानी को पी रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये किस तरीके से इतना प्यासा है कि बोतल में मुंह डाल के पीने की कोशिश कर रहा है। जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सांप को रेस्क्यू करते हैं तो उसको पानी जरूर पिलाएं, रेस्क्यू करने के बाद उसको एक से दो दिन के अंदर अंदर उसको जंगल में छोड़ भी दें। पिलाते रहिए। तो दोस्तों जैसे पानी पिया है बिल्कुल एक्टिव हो गया है, देख सकते हैं कितना बड़ा होड़ ले चुका है अभी ये। बोतल को टच कराइए उसके मुंह से, फिर पिलाइए। वेरी गुड। देखिए दोस्तों किस तरीके से पानी को पी रहा है, आप देख सकते हैं पूरा साफ साफ दिख रहा है कि पानी पी रहा है। देखिए ये फाइनली मेरे तरफ फोकस कर दिया है और बहुत ज्यादा खतरनाक एग्रेशन में है। तो दोस्तों फाइनली पानी पी चुका है पूरा भरपूर मात्रा में। चलिए सांप के बारे में सारी जानकारी मोहित सर से जानते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों आज ये कौड़ीराम जो मेन शहर है वहाँ का ये केस है। कबाड़ की दुकान है, इस कबाड़ की दुकान में इतना बड़ा बिग साइज का एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हिंदी में भारतीय नाग, की लोकल भाषा में गेहुआन, कई जगह पे इसे फेटार के नाम से भी जानते हैं। जो सांप होता है दोस्तों इंग्लिश में इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, साइंस में इसे नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो जहर है न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, यदि ये सांप अगर काट लेता है तो उसका जो नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर देती है। 45 से 50 मिनट के अंदर सही उपचार, सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं होता, इंसान केवल मर जाता है। कभी भी ऐसा सांप दिखता है उचित दूरी बनाए, उसे मारने का बिल्कुल प्रयास ना करें। सांप के काटने के बाद दोस्तों सीधा अपने जिला अस्पताल जाएं, कोई झाड़ फूक कोई तंत्र विद्या के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अगर पड़ेंगे तो सीधा जान से हाथ धो बैठेंगे। तो चलिए अब इस सांप को अपन पैक करते हैं, पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में ले जाके इसको छोड़ दिया जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, तब तक दोस्तों आप प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार है प्लीज गाइस, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती अपील है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो में लाता रहूंगा और किसी न किसी बेजुबान जानवर की हेल्प करते हुए मैं जरूर नजर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।